राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। मतदान शुरू होते ही झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वोट डाला। वसुंधरा राजे के साथ ही झालावाड़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह और उनकी पत्नी निहारिका ने भी मतदान किया। मतदान करने के बाद वसुंधरा राजे ने कहा कि झालावाड़ में बिजली समस्या बढ़ गई है, साथ ही कहा सरकार बदलते ही बहुत सी चीजें बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि जनता भी इन हालातों को देख रही है, साथ ही उन्होंने यूथ को आज के दिन मतदान करने का संदेश देते हुए एक फर्ज के रूप में वोट देने की अपील की। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो मैंने देखा है और जिन क्षेत्रों में मैं गई हूँ, मुझे लगता है कि इतना एक्साइटमेंट है और सबके मन के अंदर ये बात बैठ गई है कि हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी को ही बनाना चाहते हैं, और इसलिए सब लोग जुटे हुए हैं, कार्यकर्ता के रूप में जुटे हुए हैं। और